एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज लोक कल्याण दिवस मनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संगठन और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। मंत्री विश्वास सारंग एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे छोला चांदवाड़ी मैदान में। टेकरी हनुमान मंदिर के नजदीक यह कार्यक्रम होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने का जश्न मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और कई सौगातों से वो मध्य प्रदेश वासियों को नवाजेंगे। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। राजेश जी, आज 2 साल पूरे हो रहे हैं चौथे कार्यकाल के मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के, और जो है सत्ता और संगठन के दोनों ही लोग जो हैं वो इसे जश्न के रूप में मना रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल अवनाश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर रहे हैं, चौथे कार्यकाल का पूरा ये 2 साल उनका आज पूरा हो रहा है, और यही कारण है कि सत्ता और संगठन मिलकर कई आयोजन कई कार्यक्रम इसको लेकर रखे गए थे। आज ही के दिन 2 साल पहले चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली थी, और जाहिर सी बात है एक बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, इस तरह हम लगातार इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं कि वो एक भाजपा शासित राज्यों के एक ऐसे मुख्यमंत्री भी बनने गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्यकाल सीएम के पद पर उनका रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का था, लेकर वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। आज की बात करें तो आज तमाम सारे कार्यक्रम सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर रखे गए हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगर हम बात करें तो 2 साल पूरे होने पर लोक कल्याण दिवस मनाएगी कि किस तरह से जनता की सेवा की जा रही है, किस तरह से सरकार जनता जनहितैषी बनकर काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिससे कि जनता को बेहतर एक शासन प्रशासन मिले, इसको लेकर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। 12 बजे आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, सरकार ने किन योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंची है, इनका आज वो जिक्र करेंगे। बीजेपी दफ्तर में, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगठन और सरकार की उपलब्धियों पर ये चर्चा उनकी होगी। दूसरी तरफ मंत्री विश्वास सारंग ने भी एक बड़ा कार्यक्रम छोला चांदवाड़ी मैदान पर रखा है, वहां पर टेकरी हनुमान मंदिर के पास एक कार्यक्रम होगा जिसमें सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बेदाग छवि वाला जो एक कार्यकाल लगातार सतत चल रहा है और वो एक जनता से जुड़ाव रखते हुए कैसे उनके लिए काम कर रहे हैं, इस पर शाम को आज एक कार्यक्रम रखा गया, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आज से ही जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो टीकाकरण अभियान है उसकी आज शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें आज शिरकत करने वाले हैं। तमाम सारी आयोजन न केवल राजधानी भोपाल में बल्कि पूरे प्रदेश में, और जिस तरह से एक थीम रखी गई है लोक कल्याण दिवस सीएम के 2 साल पूरे होने पर, उसी के अनुसार सारे स्थानों पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के आज 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस उपलक्ष में तमाम कार्यक्रम आज आयोजित होना है, और इन 2 साल की उपलब्धियों के बारे में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पत्रकारों को बताएंगे।